ऑल ओवर पाकिस्तान सारे पाकिस्तान में या तमाम पाकिस्तान में पाकिस्तान भर में बट पर्टिकुलरली इन क्वेटा डेरा गाजी खान पेशावर मानसेरा रावलपिंडी एंड कराची लेकिन ख़ास तौर पर क्वेटा डेरा गाजी खान पेशावर मानसेरा रावलपिंडी और कराची में ख़ास तौर पर और आम तौर पर सारे पाकिस्तान में यू विल सी देम आप इनको देख लेंगे इन ट्रकों को देख लेंगे मैन एंड बॉयज़ वॉकिंग एंड द बूमिंग ट्रक पेंटिंग इंडस्ट्री और आप ये भी देख लेंगे कि मर्द और लड़के मैन मीन लो मर्द बालिग लोग बड़े आदमी एंड बॉयज़ और लड़के वॉकिंग एंड द बूमिंग ट्रक पेंटिंग इंडस्ट्री वो काम करते हैं उबरते हुए बोमिंग मीन उबरते हुए खुशहाल के लिए भी आता है खुशहाल या तरक्की करते हुए ट्रक के रंगाई की सनत में यानी ट्रक को जो रंगन किया जाता है उस सनत में आप सारे पाकिस्तान में अमूमा और ये पिशावर और पेठा और इन इलाकों में खसूस आप देख लेंगे कि मर्द और लड़के ट्रक के उबरते हुए रंगाई की सनत में मसरूफ़ होते हैं टू अ बैक ग्राउंड नाइज ऑफ ट्रैफिक और पस मंज़र में ट्रैफिक का शोर होता है जब वो इन ट्रंकों ट्रकों को रंग देते हैं मुख्तलिफ़ तो के तो पस मंज़र में ट्रैफिक के शोर भी होती आ, होती है क्योंकि आम तौर पर ये रंगाई के सेंटर मेन रोड के करीब होते हैं एंड ब्लरिंग म्यूज़िक और इसके पसमंज़र में तेज़ मूसीकी भी होती है या नाखुशवार टाइप मूसीकी भी होती है या ललकारने वाला मूसीकी भी होती है ब्लेयरिंग मीन ललकारने वाला मूसी की बीस का माना है दीज हाइली स्केल्ड ट्रक आटेस्ट और ये आला तरीक़े से हुनरमंद ट्रक ट्रक के जो फनकार है जो कारीगर है और मीन मीन या कारीगर कंटिन्यू द ट्रेडिशन वो इस रवायत को जारी रखते हैं आप डेकोरेटिंग ए नामस ट्रक के वो बड़े बड़े ट्रकों को सजाते हैं उनको रंग देते हैं ये कारीगर विद अडेजलिंग केलेडोसकोफी केलेडोस्कोफ आफ फोक आर्ट एक चौखा देने वाले अडेजलिंग मीन एक चौखा देने वाले केलेडोस्कोपी मीन अक्सबेन सेक्सबेन से या नक्श नगार से अक्सबेन या नक्श नगार वही होता है जो जिसके रंगाई के दौरान वो शीशे भी पैक्स करते हैं और शीशों में फिर वह मुख्तलिफ रंग नज़र आते हैं जैसे सातों रंग है तो ये सब इसमें नज़र आते हैं इन शीशों में जब लोग उनको देखते हैं तो इसको केलेडोस्कोप केलेडो भी कहा जाता है अ फोक आर्ट आई मीन मुकामी फ़न मुकामी फ़नकार जो होते हैं वो इनको इन ही किस्म के नक्श नगार वाले और ललकारने वाले और चौंका देने वाले नक्शो नगार करते हैं इन ट्रकों पर नो no वंडर ये कोई हैरानी की बात नहीं है दैट दीज मास्टर ऑफ व्हील के ये uh, शाहकार मास्टर पीसेज मीन ये शाहकार ये कमाल दर्जे वाला चीज़ या ये खूबी वाला चीज़ व्हील जो पहियों पर खड़े होते हैं आनवील जो पहियों पर खड़े होते हैं हैव बिकम अ टूरिस्ट सिंबल फॉर पाकिस्तान पाकिस्तान के लिए ये सयाहों की अलामत भी बन गए हैं सयाह भी इनसे लुफ्फोज़ होते हैं इस की खूबसूरती को देखकर नाउ रिकोगनाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड और अब ये पहचाना जाता है सारे दुनिया में ये ट्रक जो है खासकर पाकिस्तानी ट्रक सारे दुनिया में पहना पहचाने जाते हैं सेकेंड पैराग्राफ है टेज ट्रकर्स आर सक्सेसर ऑफ मैनी जेनरेशन ऑफ ट्रेडर हु ट्रांसपोर्टेड गुड बाई केमल कॉन्ज अलॉन्ग रपलीमिलर रूट फ्रॉम द कोस्ट ऑफ पाकिस्तान इन लैंड टू सेंट्रल एशिया टडेज ट्रकर आजकल के ट्रक मालिकान या आजकल के जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं दोनों इससे मतलब हो सकता है और और द सक्सेसर ये जो नशीन है ये अलवाद है ये बच्चे हैं आप मनी जेनरेशन इन ही बहुत से जेनरेशन के इन ही बहुत से नस्लों के और ट्रेडर ताजरों के उन नस्लों के बच्चे हैं जान नशीन है हु ट्रांसपोर्टेड गुड बाई खेमल कारवान जो किस्म के सामान को ओंटों के काफिलों के ज़रिए से ले जाते थे या पहुँचाते थे अलॉन्ग रपली सेमिलर रोड इसी ही करद्रे रास्तों से या इसी तरह कच्चे रास्तों पर वह ले जाते थे सामान को फ्राम द कोस्ट ऑफ़ पाकिस्तान एन लैंड टू सेंट्रल एशिया पाकिस्तान के साहिली इलाकों से वस्ती एशिया को सामान ओंटों के जरिए जो ले जाते थे तो ये ट्रक मालिकान या ट्रक ड्राइवर अब इन ही लोगों के औलाद हैं उनही के जान नशीन है द ट्रेडिशन डिज़ाइनिंग ऑफ द केमल फॉर दर्वान एज एन एंशंट वन द ट्रेडिशन ये रवायत अब डिज़ाइनिंग दैमल के नक्शन नगार की जाए डिज़ाइनिंग मीन कपड़े पहनाए जाए सजाया जाए दैमल इन ओंटों को यानी ओंटों को सजाने की रवायत ओंटों को कपड़े पहनाने की मुख्त किस्म के कपड़े पहनाने की आ, ट्रेडिशन रवायत या ओंटों को सजाने की जो रवायत है और दौरवाज कारवान कापिलों के लिए एज़ एन एंशंट वन ये पुरानी है पुरानी दौर से काफिले जो थे अपने अपने ओंटों को सजाते थे जब वो इन पर आ, सामान ले जाते थे तो इनको सजावट उसी ही दौर से आ, जारी है एंड जस्ट एज दैमल डकोरेशन आइडेंटिफाइड द ट्रेडर और जिस तरह आ, ओंटों की सजावट से उनकी ताजरों की निशानदही होती है एंड जस्ट एज और बिल्कुल इसी तरह द कीमल डेकोरेशन ओंटों की सजावट आइडेंटिफाइड द ट्रेडर वह इन ताजरों की निशानदही करते थे आ, वेरियस एथनिक ग्रुप्स के वो किस किस्म के नस्ली ग्रोह से ताल्लुक़ रखते हैं खा पिशावरी नस्ल से है क्वेटा वाले से है कराची वाले से है सजावट से पता चलता था कि ये किस इलाके की सजावट है तो जिस तरह वही होता था सो सोटेज्रक और इसी तरह आज टर्डेज ट्रक और इसी तरह आज कल के ट्रकों की आ, पन की सजाइश हमें बताती है जैसे आज ट्रकों उनको सजाया जाता है तो ये हमें बताते हैं ठेल यू आपको ये बताते हैं वेयर द ट्रक हेस्काम प्राम के ये ट्रक कहाँ से आया है एंड इट्स ड्राइवर एथनिक ग्रुप और इसके ड्राइवर की नस्ली ग्रुप कौन सा है वो पठान है पंजाबी है सिंधी है बलूची है कौन है ये आपको बताएगा नो वन कैन मिस्टेक अ पेशावरी ट्रक किसी भी एक कोई भी आदमी एक पेशावर के ट्रक पहचानने में गलती नहीं करता है फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर विद इट्स पेंटिंग ऑफ क्रिकेट लीजेंट शाहिद अप्रीदी उसके पेंटिंग में उसकी रंग साज़ी में क्रिकेट के मायनाज शाहिद अप्रीदी की तस्वीर होती है लीजेंट मीन मशहूर मायनाज आ, शायद अप्रीदी की तस्वीर होती है पिशावरी वाले पर बाबी खैबर की तस्वीर होती है माउंटेन पहाड़ों की तस्वीरें होती है एंड स्ट्रीम और नदियों की तस्वीरें होती है पिशावरी वाले पर अलॉग विद द लाइन ऑफ पोइट्री एंड पुशतो लैंग्वेज और इसके साथ साथ पुशतो ज़ुबान में शायरी भी इस पर लिखी होती है कुछ शारें भी इस पर होती है या तो यही पिशावरी ट्रक की अलामत है नाव कवर की सी साइट पैनल यानी अथराप वाले तख्तों को देख लो पेंटेड विद वाइब्रप सिक्सटीन जेट जिस पर पेंट हो गए हैं बने होए गए हैं वाइब्रेंट मीन मतहर एप सोलह तैयार है जिस पर आ, पेंट हो गए हैं शाहीन मेजल्स शाहीन मिसाइल इस पर पैक्स हुए हैं एंड कट आउट आ, पी और कटे हुए पी का और कटे हुए पी का मूर की तस्वीर इस पर होता है एंड ऑन द बेग लार्जर देन लाइव पोर्ट्रेट ऑफ फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान और इसके पिछले हिस्से पर आ, असल तस्वीर से या जिंदगी वाले तस्वीर से भी बड़ा फील्ड मार्शल अयूब खान की तस्वीर जिस पर होता है एंड पेलम स्टार शान और पेलम स्टार शान की तस्वीर जिस पर होता है एंड यू नो तो इससे आप जानेंगे द ट्रक एसप्रम रावल पिंडी के ये ट्रक का ताल्लुक़ रावल पिंडी से है ये रावल पिंडी वाला ट्रक है जब इन पर ये अयूब खान की तस्वीर हो और एप्सोला की तस्वीरें हो, शान पेलम स्टार की तस्वीर हो मोर की तस्वीर जिस पर हो और शाहीन मेजल्स की तस्वीर जिस पर हो तो इट विल दैट इट्स अ ट्रक फ्रॉम रावल पिंडी मच क्लोजर टू तो द कैपिटल जो खिलाफे के बिल्कुल करीब है रावल पिंडी खिलाफे के करीब वाकई है और वहाँ की ट्रक है ये पैराग्राफ है। ट्रक आर्ट एज बिग बिजनेस इन पाकिस्तान और ट्रक का पन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा कारोबार है या ट्रक की सजावट का पन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा कारोबार है कराची पोर्ट सिटी ऑफ फोर्टीन मिलियन पीपल कराची जो एक बंदरगाह वाली शहर है जो एक साहिली शहर है और चौदह मिलियन लोग इसमें आबाद है ए सेट टू एम्प्लाईजेंड पीपल ये कहा जाता है कि वो पचास हज़ार से ज़्यादा लोगों को मुलाजमत देती हैं इन स्माल फैमिली रन अप पेंट वर्कशॉप छोटे छोटे ख़ानदानी पेंट वर्कशॉपों में खानदानी वर्कशॉपें हैं छोटे छोटे और इसमें लोग काम करते हैं और पचास हज़ार से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मुहैया करते हैं लाइक अमिडीवल गेल्टनि क्रोनवस्था के ज़माने से की एक, एक हम पेशा लोगों की तरह गेल्ट मीन हम पेशा लोगों की जो एक किस्म के पेशे से ताल्लुक रखते हो जैसे ज़माने वस्ती के में लोग एक ख़ास पेशे से जब ताल्लुक रखते थे तो ख़ास जगह में काम करते थे तो कुरुन वस्ती के हम पेशा लोगों की तरह अ टिपिकल पाकिस्तानी वर्कशॉप एक मखसूस या ख़ासस्म की पाकिस्तानी जो वर्कशॉप है एम्प्लॉज़ आ सेट आप स्किल्ड क्रासमैन क्राफ्ट मैन ये एम्प्लाई देते हैं न मुलाजिमत देते हैं अ सेट ऑफ स्किल्ड क्राफ्ट मैन एक बड़ी तादाद में दस्तकारों को हुनरमंद दस्तकारों को बड़ी तादाद में नौकरी देता है मुलाजमत देता है फॉर दिस हाईली स्पेशलाइज वर्क इस आला और पेशा वराना काम के लिए यानी इस आला और पेशा वराना काम के लिए काफ़ी लोगों को ये मुलाजमत देता है ये ट्रकों को आर्ट या ट्रकों की सजावट के लिए एन इलेक्ट्रीशियन इंस्टॉल वायरिंग इसमें एक बिजली के माहिर जो है वह तारे लगाते हैं इंस्टॉल लगाते हैं वायरिंग तारे अटल वोकर दाख पर काम करने वाला फैशन आर्टिफेक्ट्स वह बनाते हैं आर्टिफेक्ट मीन मसनू चीज़ें या मसनू तस्वीर बनाते हैं सच एज या मसनू चीज़ें बनाते हैं सच एज द डेंगलिंग लीप च जैसा कि जूमते हुए डेंगलिंग मीन जूमते हुए या लटकते हुए लीप चैन पत्तों के हाँ जंजीर को पत्तों का एक जंजीर बनाता है जो जूमते हैं जो लटकते हैं और असल में ये प्लास्टिक वाले पत्तों के हैं मसनू बनाते हैं आर्टिफेक्ट होते हैं तो वही भी इसकी सजावट के लिए बनाते हैं कारपेंटर कॉर्ज एराबिक्स एनालिस आन केबड डोर और एक बड़ी एक तरकान खंदकारी करते हैं मुख्तलफ़ लकीरों की या मख्तलि गुलकारी की एराबिक्स मीन गुलकारी की एनलेज आन कैब डोर यानी टैक्सी वाले दरवाज़े पर या जो दरवाज़ा है इन पर मुख्तफ किस्म की गुलकारी इस करते हैं एक तरकान तो उसको भी मुलाजमत मिल जाती है इन अपहोल्स्टर एक पर्दों वाला या पर्दों बेचने वाला या पर्दो, पर्दों परदों का माहिर एम्ब्रॉयडर्ड विंडो प्लेप्स वो कशीदकारी करती है खिड़कियों के पर्दों पर विंडोज खिड़कियों प्लेप्स पर्दों पर कशीदकारी करते हैं विद सिल्वर एंड गोल्ड थ्रेड चांदी और सोने के तारों से चांदी और सोने के तारों से इस पर गुलकारी करते हैं द मास्टर पेंटर क्रिएट्स इमेजेस जो बड़ा रंगसाज होता है वो मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीरें बनाता है क्रिएट्स बनाते हैं इमेज तस्वीरें विद डेलीकेट लेर जिसमें नाजक लकीरें होती हैं या लहरें होती हैं इन तस्वीरों में मुख्तलि किस्म की लहरें होती हैं एंड ग्लेजेज और ये चमकदार रंग वो इसमें तस्वीरों को देते हैं चमकदार रंग इसमें होते हैं और मुख्तलफ़ लहरें होते हैं और ये बहुत जाजीबी नज़र दिखाई देते हैं वाइल्ड हेज़ असिस्टेंट जबकि इस बड़े रंगसास का मददगार जो होता है जो शागर्द उनका होता हैल्प हेम विद बैक ग्राउंड एंड बॉर्डर वह बैकग्राउंड पसमंज़र और बार्डर में उनकी मदद करता है इन तस्वीरों के साथ जो बार्डर बनाता है हदूद बनाता है और पसमंज़र जो बनाता है तो वही इसमें मदद करता है देयर इज़ इवन अफोर्ट आन हैंड के एक शायर भी मौजूद होता है अनहैंड मीन मौजूद होता है तो राइट एन आई कैचिंग पोइट पोइटिक इंस्क्रिप्शन ताकि इसमें एक जाजीबी नज़र शायरी तहरीर लिख ले तो राइट के लिख ले एन आई कैचिंग एक जाजीबी नज़र पोइटिक इंस्क्रिप्शन शायरी की तस, तहरीर हम देखते हैं आमतौर पर ट्रकों के पीछे हिस्से में कोई शेर होता है जो बहुत जजीबी नज़र होते हैं लेबर एंटेंसी ऑपरेशन ये सख्त और मशक्त तलब काम लेबर मीन एंठनसी बहुत सख्त ऑपरेशन काम यानी बहुत सख्त और मशक्त तलब जो ऑपरेशन काम होता है यूजुअली टेक् सिक्स टू टेन वीक्स ये अमूमा छः से दस हफ़्ते लेते हैं एक ट्रक की रंगाई उनकी तारों और बरकी आलात ठीक करने और उनमें मुख्तलिफ़ के शक्लें बनाना ये आम तौर पर छः से दस हफ्तों का वक्त लेता है ड्यूरिंग दिस पीरियड इस दौरान इस छः से दस हफ़्तों के दौरान मनी ड्राइवर हवर अराउंड द वर्कशॉप बहुत से ड्राइवर वर्कशॉप के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं लाइक पार्ट ऑफ द एक्सटेंडेड फैमिली जैसा कि वो एक वसीखा नदान के अपराध हो हिस्सा हो सजेस्ट सजेस्टिंग पॉसिबल सब्जेक्ट और वो तजावीज़ देते हैं मुमकिना मौजुआत पर मुमकिना चीज़ों के बारे में एंड अल्ट्रेसन और तब्दीलियों के बारे में कि ये रंग साजी या गुलकारी ये तस्वीर अगर ऐसा बनाया जाए वैसा बनाया जाए ऐसे ही तजावीज़ देते हैं और ड्यूरिंग द टाइम और इसी दौरान वो कुछ भी नहीं कमाते हैं अर्निंग नथिंग कुछ नहीं कमाते हैं ड्यूरिंग द टाइम इसी दौरान दियर ट्रक इज़ बींग स्पेपड आप जब उसके ट्रकों की आरइश व जबाइश होती है जब उनके ट्रकों की आ, सजावट होती है जब उनके ट्रक सनवर जाते हैं ख़ूबसूरत हो जाते हैं तो इस छः से दस हफ्तों तक वो कुछ भी नहीं करते हैं वैसे ही घूमते फिरते हैं अनबिलीली नाकबिल यन हद तक अनबिलीविंगली द मेजॉरिटी ऑफ ट्रकर्स लेवशली स्पेंड मनी या अक्सर यक के मालिकान जो है या ट्रक के ड्राइवर शवक से रुपया खर्च करते हैं या फजुल खर्ची से रुपया खर्च करते हैं बेदरी रुपया खर्च करते हैं आन द फुल मेक ओवर ऑफ़ दियर वहीकल मकम्म सजावट पर या मुकम्मल तब्दीली पर अपने गाड़ियों के वक्कल मीन गाड़ियों के एवरी थ्री और फोर ईयर हर तीन चार साल बाद वह इसकी जबाइश वर्ष और सनवर पर बहुत ज़्यादा परफ्दी से रुपया खर्च करते हैं नन ऑफ दी स्केल्स कम चीप आ, इन हुन इन हुनरों में कोई भी अर्जा नहीं होता है सस्ता नहीं होता है बट फॉर दोज हु मेक दियर लिविंग फ्राम ट्रक ड्राइविंग लेकिन वह लोग जो अपना रिजक कमाते हैं ट्रक चलाने से अपना रिजक कमाते हैं पेंटिंग द व्हीकल इज़ एसेंशल उनके लिए अपने गाड़ी को पेंट करना लाजमी होता है उनके लिए ये लाजमी होता है कि वो अपने गाड़ी को पेंट कर लें इट मे बी इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंगस फॉर प्रॉस्पेरिटी और शायद वो ऐसा करता है इट मे बी शायद ये ऐसा है अवे के ये एक तरीका है आप एक्सप्रेसिंग थैंक्स प्रा, पर प्रॉस्पेरिटी के वो इस खुशहाली का शुक्रिया अदा करने के तौर पर अपने ट्रं ट्रक की जैबाइश वर्श करते हैं टू तो अट्रैक्ट द कस्टमर शायद वो ये इसलिए करता है कि कस्टमर को अट्रैक्ट करें मुतवज़ करें क्योंकि गग भी उसी ही ट्रक को कराया करता है जो ज़्यादा खूबसूरत हो और टू कीप अप विद ऑल द अदर डोरेटड ट्रक्स और या शायद वो ये इसलिए करता है कि टू कीप अप बरकरार रहे मुसाबिकत करे विद ऑल द अदर डिकोरेट ट्रक तमाम दूसरे सजाए हुए ट्रकों के साथ एक किस्म की मुक़ाबला होती है सजावट की तो इसी वजह से वह लोग ये करते हैं कोई भी वजह हो लेकिन लोग ये करते हैं मुसनपा कहती है वट एवर द रीज़न ख्वा वजह जो भी हो फॉर हैविंग द पेंस टेकिंग वॉक ये मुश्किल काम करने के लिए डन के हो जाए यानी उस मुश्किल काम के होने के लिए जो भी रीज़न हो लेकिन वो ऐसा करते हैं इट्स एक्सपेंसिव ये बहुत महंगा है ट्रक ओनर्स प्रीकुनटली स्पेंट मोर ऑन दियर ट्रक्स और ट्रक के जो मालिकान हैं वह अक्सर अपने ट्रकों पर बहुत पैसे खर्च करती हैं देन दियर हाउसेस अपने घरों की बनस्बत अपने घर पर भी घर के खर्चे पर भी इतने नहीं लगाते हैं जितने ट्रकों पर ख़र्च करते हैं एंड दे विल स्पेंड द ऑफ टू ईयर प्रॉफिट और वह अक्सर दो सालों के फायदे के मसावी रकम खर्च करते हैं बेसिक पेंटिंग एंड डी जॉब बुनियादी पेंटिंग पर और बर्डी बनाने पर बर्डी बनाने और पेंटिंग पर वो दो सालों के फायदे से ज्यादा खर्च करते हैं दो सालों में इतने नहीं कमाते हैं जितने वो खर्च करते हैं रीसेंटली ट्रैकिंग लेवेस्ट ओवर थ्री लेक्स डिकोरेशन जॉब। रिसली हाल ही में ट्रेकिंग मैगनेट यानी ट्रकों ट्रकों ट्रको वाला एक अमीर आदमी था मेगनीट मीन मेगनीट मीन अमीर आदमी था लेविश्ड उसने ख़र्च किए पर दिली से ख़र्च किए या फजूल तौर पर खर्च किए लेशली का लफ्ज़ी मना तो फजुल खर्च ही है क्योंकि रंग करने में मुसनफ़ा के नज़दीक रंग करना वैसे अगर हो जाए या ना हो जाए क्यों दो चार साल बाद फिर रंगाई होती है और तीन लाख रुपये इस पर ख़र्च होते हैं तो मुसनपा की नज़र में ये पज़ुल खर्ची है सो so, खर्च किए और थ्री लेख तीन लाख से ज़्यादा रुपए अन अडेक्रेशन जॉब सजावट के काम पर विच टुक मोर देन फोर मंथ्स टू तो एग्जीक्यूट जिसके मुकम्मल होने में चार महीनों से भी ज़्यादा लग लग गए यानी चार महीनों तक ट्रक ने एक रुपया भी नहीं कमाया और इसी तरह तीन लाख रुपये भी इस पर ख़र्च हो गए मोर मॉडस्टली ज़्यादा अतदाल के साथ यानी बहुत अहतदाल के साथ मोहम्मद अहमद प्रामरी ऑन ऑफ पेपडी थाउजेंड रुपीज़ अ मंथ मोहम्मद अहमद जिसका ताल्लुक मरी से है वो अतदाल के साथ पजुल खर्ची नहीं करता है लेकिन अहतदाल के साथ एक महीने में ट्रक पर पचास हज़ार रुपये कमाता है बट हज ट्रक इज़ बींग रीपेंटेड एट कॉस्ट ऑफ वन लेख रुपीज़ लेकिन उसकी ट्रक की दोबारा पेंटिंग जो है इसकी कीमत एक लाख रुपये होती है वो एक लाख रुपये पेंटिंग पर ख़र्च करती है टू ईयर अगो दो साल पहले ही एंड हिज ब्रदर पेड सिक्स लेख रुपीज़ फॉर स्टेम टू स्टेम बॉडी वर्क यानी मोहम्मद अहमद और उसके बाई ने आ, ट्रक पर छ लाख रुपये ख़र्च किए एक सिरे से दूसरे सिरे तक यानी बॉडी मुकम्मल बॉडी पर बॉडी के काम पर उसने छः लाख रुपये ख़र्च किए द मनी केम पॉर्टली फ्राम सेविंग ही सेड उसने कहा कि ये रुपये जज्वी तौर पर यानी कुछ रुपया हमने बचा लिया ट्रक पर मजदूरी करने से इन एडिशन फैमिली मेम्बर्स गेव सम मनी और इसके साथ साथ खानदानी अपराध ने भी कुछ रुपया हमें दे दिए एंड द रेस्ट वॉज लोन और बाकी बामदा हमने कर्ज़ ले लिया वो छः लाख पूरा किए और ट्रक पर लगा दिए एक सिरे से दूसरे सिरे तक बड़ी काम कर दिया रंगाई कर दिया इट्स ऑल पार्ट ऑफ बिजनेस और उसने ये भी कहा कि ये कारोबार का हिस्सा है ये ऐसा ही खर्च होता है ड्राइवर्स आर कन्वेंस्ड ड्राइवर मतम होते हैं डेट द मनी इज़ वेल स्पेंट के ये रुपया अच्छे तरीके से खर्च होए बजा खर्च होए असल में यहाँ पर ये मुसन्फ़ा जो है ये ज़रा क्रिटिसज़म भी करते हैं कि ये लोग बडी पर इतने खर्च करते हैं बर्डी इसका तो कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है सिर्फ यही के खूबसूरत नज़र आएगा तो फिर भी ये लोग कहते हैं कि ये बजा तौर पर स्पेंट होए यह पर ड्राइवर कैंट एफोर्ड टू डेकोरेट है स्ट्रक ट्रक और अगर कोई ड्राइवर ये बर, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि अपने ट्रक को सजाए अपने ट्रक की सजावट पर कोई ड्राइवर अगर खर्च नहीं करता है कस्टमर इज़ नो गुड तो गक भी ये तस्वर करते हैं ये शुमार करते हैं ये ख्याल करते हैं कि वो अच्छा ड्राइवर नहीं है सेठ जावेद बसी जावेद बशीर ने कहा ट्रांसपोर्ट प्रोपेन सिलेंडर जो घरों में इस्तेमाल होने वाले गैस के सिलेंडर जो है उनकी ट्रांसपोर्ट करते हैं उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं ये सिलेंडरें है, गैस की सिलेंडरें इट्स प्रैक्टिकल टू और वो ये भी कहता है कि इसका एक अमली फायदा भी है अगर सजावट किया जाए द ताज हेल्प्स टू प्रोटेक्ट आवर लोड फ्राम द आइज ऑफ द पुलिस जो ताज हम बना लेते हैं ट्रकों के ऊपर यानी सामने वाला जो बड़ा ताज सा हिस्सा होता है जो क्राउन सा होता है सो ये प्रोटेक्ट द लोड ये हमारा जो लोड है वो बचा लेता है महफूज़ कर लेता है लोड को फ्रॉम द आईज ऑफ द पुलिस पुलिस के आंखों से अगर ट्रक ओवरलोड भी हो लेकिन इस ताज की वजह से पुलिस फिर इस ओवरलोड को नहीं देख सकते हैं पलिस आर लेस लाइकली टू स्टॉपेड ट्रक ही एडेड और उन्होंने अपने बातों में ये भी इजाफा किया कि पलिस अच्छे तरीके से मुजयन ट्रक को कम रुकवा लेते हैं उनको इशारा करते हैं और रुकना और उनको पाइन करना वगैरह कम होते हैं जब ट्रक अच्छे तरीके से मुजयन हो खूबसूरत हो सो आई होप दिट्स एनअ फॉर टोडे स्टूडेंट ट्राई टू रीड इट अगेन एंड अगेन try to improve your vocabulary because uh, the basic thing in english is vocabulary uh, so um, uh, try to read again and again and learn well and if you have some problem in grammar or language so watch the concern grammar or language videos also from the playlist and don't forget to remember me in your prayer thank you so much khuda hafiz